पर गाइस हम लोग देख सकते हैं देश की नॉनवेज थाली, मटन रोगन जोश फ्रॉम कश्मीर, चिकन चाप फ्रॉम बंगाल, एंड गाइस फिश फ्राई दिस इज आल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दही बड़ा फ्रॉम राजस्थान, आई थिंक पनीर बटर मसाला फ्रॉम पंजाब, और ये कढ़ाई वेज हैदराबाद, और दिल्ली स्टाइल दाल तड़का एकदम राइस, और ये गाइस घी रोटी, छाछ देखने को मिलता है, एंड हॉट गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम। जैसे आपका हरा भरा कबाब है, एक गुजरात का बिरयानी वेजिटेबल बिरयानी जो है वो लखनऊ का है। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं पायल मल्टी प्लाजा, द बिगेस्ट मॉल इन आसनसोल। सो यहाँ पर गाइज जो है पायल मल्टी प्लाजा कुछ ही दिनों में ओपन होने वाली है। हम लोग गाइज चलेंगे पायल इन और विजिट करेंगे इस देश परदेश रेस्टोरेंट। गाइस आपको जो है 349 में वेज थाली देखने को मिलेगा, 449 में आपको जो है नॉन वेज थाली मिलेगा, जहां पर आपको चिकन मटन फिश ये तीनों आइटम गाइस इस रेस्टोरेंट पर, नॉन वेज आइटम आपको ये रेस्टोरेंट में देखने को मिलेगा। सो चलते हैं गाइस देश परदेश रेस्टोरेंट में। तो पायल इनका जो है फिफ्थ फ्लोर में ये रेस्टोरेंट है देश परदेश रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ पायल मल्टी प्लाजा। पायल मॉल गाइस आपको जो है स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट में देखने को मिलता है, और ये वाली पुल के जो है इस साइड पे। सो आई होप गाइस सबको पता ही होगा। चलिए मैं आपको जो एक वॉक अराउंड दिखाता हूँ पायल इन का। पायल इन का अगर आपको किसी भी तरह होटल रूम्स का कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, अदरवाइज सामने लिफ्ट है। सो हम लोग चलेंगे फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर में रेस्टोरेंट है ना, ओके। सो दो एंट्रेंस भी है गाइस देश परदेश रेस्टोरेंट जाने का गाइस, जो कि पायल इन का फिफ्थ फ्लोर में है। सो दो एंट्रेंस है। सो हम लोग जो है रिसेप्शन से चलते हैं, सामने गाइस लिफ्ट है, फिफ्थ फ्लोर में है। Our restaurant is in fifth floor. Okay. Desh Pardesh. Yeah. We have two lift, but this is the easiest communication. तो चलिए गाइस हम लोग अब आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं देश परदेश रेस्टोरेंट। नमस्कार नमस्कार। तो ये गाइस रेस्टोरेंट में हम लोग फाइनली आ चुके हैं फिफ्थ फ्लोर में। सो पूरा एम्बियंस दिखाता हूँ गाइस, उससे पहले मैं आपको जो है सेकंड एंट्रेंस भी बताना चाहता हूँ। कि मैंने बताया था आपको जो है देश परदेश रेस्टोरेंट आने का दो एंट्रेंस है। हम लोग गाइस पायल इन होते हुए आए, आप चाहो तो मॉल के भी रास्ते से आ सकते हो। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो एक और लिफ्ट आपको जो है फिफ्थ फ्लोर में आने को देखने को मिलेगा। सो ये गाइस आपको जो है सेकंड एंट्रेंस। तो चलिए गाइस यहाँ से हम लोग जो है एंट्रेंस करते हैं। प्लीज कम, वेलकम रेस्टोरेंट, प्लीज बी सीटेड। कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? हाँ जी हाँ जी, कोई भी आएगा उनको ही मिलेगा। हाँ जी हाँ जी, ओके थैंक यू। अलग अलग फ्लेवर हर दिन बनाते हैं हम लोग, और एज पर द चॉइस। ये कौन सा फ्लेवर है? ये अपना है हम लोग का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है ये। बढ़िया। हम लोग गाइस अब जो है रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। सो फूड ऑर्डर करने से पहले, जिसके लिए गाइस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर आपको जो है 449 में नॉन वेज थाली, 349 में गाइस वेज थाली, थाली में क्या क्या रहेगा। नॉन वेज थाली में गाइस मुझे पता है 449 में मटन चिकन फिश ये तीनों आइटम रहेगा। जब तक गाइस मैं फूड ऑर्डर करता हूँ, तब तक मैं आपको रेस्टोरेंट का एम्बियंस बताता हूँ। सो स्पेशली गाइस हम लोग इसलिए आए कि आज का जो हम लोग का जो नॉन वेज थाली है 349 में वेज थाली है, वो गाइस हम लोग आज ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा आइटम है। एकदम एकदम। तो वो सब आपने बनाया हुआ है। তারপরে আমাদের এখানে আমরা দেশ পরদেশ থালি যেটা নাম দিচ্ছি, সেটা আপনার দেশ থালি আছে ভেজ কি থালি নন ভেজ থালি, পরদেশ কি থালি আছে ভেজ নন ভেজ, যেটা আমরা কন্টিনেন্টাল চাইনিজ মিক্স কুজিন দিচ্ছি। 24 আওয়ার রেস্টুরেন্ট, আমরা মিডনাইট সার্ভ করছি, আমরা 24 আওয়ার সার্ভিস দিচ্ছি এখানে। কিছু আমাদের এখানে স্পেশালিটি সিজলার আছে, যে আমরা আপনি হয়তো আসানসোলে খুবই কম পাবেন। পিডিআর রয়েছে, যেখানে আপনি কিটি পার্টি, নানান ধরনের ছোটো ছোটো বার্থডে সেলিব্রেশন এগুলো করতে পারেন। তারপরে আমাদের এখানে দেশ পরদেশের আপনার নিজস্ব বেকারি রয়েছে,
যেখানে আপনার সব ধরনের কেকস ডিজাইনার মাল্টি যে কোনো ধরনের আমরা কেক ডিজাইনার সব আমরা অ্যাভেলেবেল করে রেখেছি। যেসব চিকেন আমরা এখানে মাঙাচ্ছি যে ধরনেরই সব টেন্ডার চিকেন, যেটা আপনি 800-850 গ্রামের মধ্যে পাবেন। এই ধরনের অনেক কিছু জিনিস, যেমন আমরা সি ফুড আমরা বাইরে থেকে একদম সিফুডও সব রকমের অ্যাভেলেবল আছে। যেমন ধরুন আপনার পমফ্রেট, প্রন, আমরা 5-6 রকমের প্রন ইউজ করছি, ক্র্যাব, লবস্টার, মোলেট। হ্যাঁ, এর আগে আপনি কোথায় কোথায় কাজ করেছেন? আমি এর আগে লাস্ট প্রপার্টি আমার ছিল সিকিম রামাডা, তো আর ওখানেই আমি ক্লাব মহিন্দ্রাতে ছিলাম। আচ্ছা, তার আগে আমি পাটনায় ছিলাম গত 8 বছর ধরে। তো আমার টোটাল এক্সপিরিয়েন্স আমার 22 বছর এক্সপিরিয়েন্স। না, আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি হচ্ছে বোলপুর শান্তিনিকেতন। আচ্ছা, শান্তিনিকেতন পাশে, পাশে বেশি দূর না, আসানসোল থেকে শান্তিনিকেতন খুবই কাছে। আপনি প্রথমবার কাজ করছেন? হ্যাঁ, আসানসোল ওয়েস্ট বেঙ্গল এই প্রথমবার কাজ। ঠিক আছে, আপনার সাথে দেখা করে খুব ভালো লাগলো। আজ কাল লাঞ্চ हम लोग जो करेंगे PDR में, जो कि गाइस 24 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आता है। तो आइए गाइस, मैं अंदर चलते हैं और मैं आपको PDR भी दिखाता हूं। ये वाली स्पेस गाइस हम लोगों ने इसलिए चूज की क्योंकि इसका लोकेशन गाइस मुझे जो है काफी पसंद है। यहां से आपको जो है पूरा का पूरा आसनसोल स्टेशन दिखता है। सो वो रहा गाइस आसनसोल स्टेशन, ये आप देख सकते हो सामने में भी। गाइस, अब हम लोग लंच करेंगे। खाना हम लोग का रेडी हो चुका है, बस आ ही रहा होगा। व्यू गाइस देख सकते हो, काफी रोमांटिक वेदर है और काफी अमेजिंग आपको व्यू भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पर गाइस जो है आप स्कैन करके जो है इजीली मेन्यू वगैरह देख सकते हो। हम लोगों ने गाइस जो है पहले से ही पता था कि हम लोगों को क्या खाना है, तो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। बट यहाँ का गाइस मेन्यू भी जो है काफी ज्यादा है। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर आपको जो है हर तरह का सी फूड भी मिलेगा और मेन्यू गाइस काफी वाइड है। इंडियन, चाइनीज, तंदूर, कॉन्टिनेंटल, बहुत कुछ है। ये सब कुछ गाइस मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अदर फूड्स के बारे में। आज फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं नॉन वेज देश परदेश थाली पे, जो कि गाइस 349 में आपको इतना कुछ देखने को मिलता है। गाइस मैं इस रेस्टोरेंट पे आ रहा हूँ। सो ये गाइस फाइनली हमारी जो है थाली आ चुकी है। सो क्या है स्टार्टिंग में? बटर मिल्क। ये थाली में आ रहा है स्पाइस्ड बटर मिल्क छाछ, जो कि मुझे काफी पसंद है क्योंकि इसे खाने से जो है खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। पापड़, देश की वेज थाली। इसे देश की वेज थाली क्यों बोलते हैं? पर गाइस हमारी जो है वेज थाली आ चुकी है, देश की वेज थाली, ओनली गाइस 349। इसमें गाइस क्या क्या है वो मैं और जो है हमारे मेन शेफ वो मिलकर बताते हैं। सबसे पहले गाइस हमें यहाँ पर पापड़ देखने को मिलता है, छाछ देखने को मिलता है, एंड डेजर्ट गाइस ये लास्ट का आइटम है, मैंने मंगवा लिया ताकि सब दिख पाए। ये गाइस हॉट गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम। एंड यहाँ से गाइस सर, बाकी हम लोगों ने जो देश का थाली रखा है, बाकी आप जहाँ भी देखिएगा कि नॉर्मली साउथ इंडियन, बंगाली, ये सब थाली मिलता है। देश का थाली जो सब जगह से कुछ कुछ आइटम, एक एक आइटम लिया हुआ है। जैसे आपका हरा भरा कबाब है, एक गुजरात का जैसे डिश वहाँ वेजिटेरियन ज्यादा चलता है। सेम आपका पनीर बटर मसाला है, ये आपका पंजाब का स्पेशलिटी है, वहाँ का हिसाब से बनाया गया है। ये जैसे कढ़ाई वेज है, वो थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा रहता है, तो ये हैदराबाद का डिश है, तो हैदराबाद से लिया गया है। आपका बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी जो है वो लखनऊ का है, वहाँ का फेमस है बिरयानी, तो वेज बिरयानी लखनऊ से है। दाल तड़का एकदम दिल्ली स्टाइल में बना हुआ है, जो आपका तड़का वाला, तो ये दिल्ली स्टाइल में दाल तड़का है। बाकी नॉर्मली आपका साथ में दही वड़ा है, दही वड़ा आपका राजस्थान से लिया हुआ है कि राजस्थान में दही वड़ा बहुत खाते लोग। साथ में राइस और घी रोटी को मिलता है, वो भी पूरी घी में जो है डूबी हुई है। सो ये हमारी थी गाइस देश की वेज थाली, ओनली 349। अब हम लोग गाइस जो है देश की नॉन वेज थाली, यहाँ पर गाइस हम लोग देख सकते हैं देश की नॉन वेज थाली। तो यहाँ पर सारा वही आइटम रहता है जो वेज थाली में होता है। ये मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पापड़, डेजर्ट हॉट गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम, छाछ, स्पाइस्ड बटर मिल्क, और यहाँ पर गाइस साथ में जो है तीन आपको नॉन वेज आइटम देखने को मिलता है, मटन रोगन जोश फ्रॉम कश्मीर, चिकन चाप फ्रॉम बंगाल, एंड गाइस फिश फ्राई, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और बाकी सारे आइटम गाइस देख सकते हो, दही बड़ा फ्रॉम राजस्थान, आई थिंक पनीर बटर मसाला फ्रॉम पंजाब, और ये कढ़ाई वेज हैदराबाद, और दिल्ली स्टाइल दाल तड़का एकदम राइस, और ये गाइस घी रोटी। ये हमारी गाइस जो है 449 की जो देश की नॉन वेज थाली। गाइस आप देख सकते हो घी में डूबी हुई लत पत डूबी हुई रोटी। तो सबसे पहले गाइस हम लोग रोटी से स्टार्ट करते हैं और मटन रोगन जोश, इवन गाइस साथ में हम लोग पापड़ भी देखने को मिलता है, एंड डेजर्ट भी हम लोगों ने एक बार मंगा लिया साथ में गाइस
स्पाइस बटर मिल्क, ये सब कुछ आपको मिल जाता है गाइस ओनली 449। अगर आप वेज हो तो 349 रुपीज लगेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तीन नॉन वेज आइटम नहीं रहेगा। सो मटन रोगन जोश गाइस, सो ये रहा गाइस मटन का साइज, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मटन का हमें साइज देखने को मिलता है। तो इसे गाइस हम लोग जो है घी वाली रोटी में लेके गाइस जो है टेस्ट करते हैं। साथ में इस हमें सैलड भी मिलता है। सो यहाँ पे गाइस जो है कश्मीर से हमारा मटन रोगन जोश काफ़ी टेस्टी है, इसे फिर बाद में टेस्ट करते हैं। और ये गाइस हमारा जो है चिकन चॉप। सो यहाँ पर गाइस शेफ से बात करने से मुझे पता चला जो चिकन का होल पीस रहता है, होल साइज ऑफ चिकन, वो 700 ग्राम से 800 ग्राम का ही रहता है। इससे क्या होता है जो चिकन पीसेस आपको देखने को मिलते हैं वो काफ़ी टेस्टी और टेंडर होता है। तो हम लोग ट्राई करते गाइस चिकन चॉप, कोलकाता स्टाइल एक फ्लेवर है, क्योंकि काफ़ी बार जब हम लोग कोलकाता जाते रहते हैं बिरयानी के साथ जो है चिकन चॉप ट्राई करते हैं, बिल्कुल उस तरह का ये टेस्ट आ रहा है। तो हम लोग जो गाइस लास्ट में ट्राई करेंगे। अब गाइस बचता है पनीर का आइटम, साथ में गाइस यहाँ पर हमें जो है फिश फ्राई देखने को मिलता है। तो इसे हम लोग ऐसे ही खाना पसंद करेंगे। यहाँ पर जो है पंजाब की पनीर बटर मसाला, बटरी, थोड़ा सा स्वीटनेस है इसमें, तीखा तो बिल्कुल ना के बराबर और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इस स्टाइल दाल के साथ जो है राइस लेना पसंद करेंगे। ठीक है, नाम गाइस बिल्कुल सही दिया गया है, देश की थाली, देश की नॉन वेज थाली, देश की वेज थाली, साथ में पापड़ भी है। ये थाली गाइस आपको दिखाने का मेन मकसद यही था कि इतने कम प्राइस में आपको जो है यहाँ पे इतना कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि इनका जो मेन मेन्यू है अला कार्ट मेन्यू, वो काफ़ी वाइड है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लखनवी बिरयानी के साथ हम अपना जो है कश्मीरी मटन रोगन जोश ट्राई करते हैं, ही रहेगा। पूरा खाना गाइस काफ़ी टेस्टी है, साथ में आप जो है गाइस बीच बीच में बटर मिल्क ले सकते हो, स्पाइस बटर मिल्क जिसे हम लोग छाछ बोलते हैं, आपको डाइजेस्टिव के लिए बहुत जो है सही रहेगा। लास्ट में गाइस हमें देखने को मिलता है हॉट गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम। सो लास्ट में गाइस हम लोग जो है छाछ पी रहे हैं, और ये छाछ गाइस जो है बैंगलोर से है। बैंगलोर का छाछ जनरली जो है गाइस काफ़ी माइल्ड रहता है, तो ये गाइस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा है। जो भी हम लोगों ने आज खाना खाया बहुत जल्दी जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। ऑल ओवर खाना गाइस बात करें तो मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी कुछ आइटम हमें यहाँ पर टेस्ट करने को मिलता है, देश के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से अलग अलग फूड आइटम हमें यहाँ पर टेस्ट करने को मिलता है। सो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा नॉनवेज जो थाली है, देश की नॉनवेज थाली मुझे काफ़ी सही लगी, सबका टेस्ट गाइस मुझे बहुत सही लगा। अगर आपको भी गाइस ये थाली टेस्ट कर 49 में वेज या फिर 449 में नॉन वेज, तो ये स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट में आपको जो है पायल मॉल देखने को मिलेगा। आप गाइस पायल इन में आके जो है फिफ्थ फ्लोर में आपको जो है देश परदेश ये रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, आके गाइस आप जो है ऑर्डर दे सकते हो। गाइस थाली जो आपको दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही अवेलेबल होती है, आप चाहो तो गाइस प्री ऑर्डर प्री बुक कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप कॉल करके जो है पहले से बुक कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट में आके भी अपना जो है खाना खा सकते हो। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने अपना लंच जो कंप्लीट कर लिया, अभी चलिए गाइस मैं आपको जो है इनका जो किचन दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को जो है पायल इनका जो है किचन दिखाता हूँ। सो ये रहा गाइस, ये पायल इनका गाइस जो है मेन किचन है, हालांकि यहाँ पर हर कोई अलाउड नहीं है, मैंने जो है परमिशन लेकर गाइस जो है आपको किचन दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो गाइस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने जो है इस रेस्टोरेंट का सारा डिटेल्स दे दिया, आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, या इवन यहाँ पर आने से पहले आप जो है अपना खाना बुक कर सकते हो या फिर आके भी कर सकते हो। कोई भी गाइस किसी भी तरह का कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।